चार नाम रोजाना लिया करो, सुबह जगते हो तो चार नाम रोजाना, अपनी पूजा में या बिस्तर से नीचे उतर गया हो तो ये चार नाम रोज लीजिए। इससे आपका कुनबा बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, माथे के विचार बढ़ेंगे। क्या है वो चार नाम? पहला है मातृ देवो भवः, रोज बोलो मातृ देवो भवः। आपको पता है कि बेटियां माता पिता के पाम नहीं छूती, मालूम है ये? नहीं मालूम? अब माता पिता के पाम न छुए जाएं तो वो तो बच्चे प्रकृति के बहुत बड़े कर्जदार हो जाते हैं, प्रकृति के बहुत बड़े ऋणी हो जाते हैं। जो बेटियां माता पिता के पाम छू नहीं सकती तो फिर उनका भाग्य कैसे बदलेगा? ऐसा बताते हैं कि चरण छूने से तो भाग्य बदलता है, एक भाग्य का उत्थान होता है। तो फिर क्या किया जाए? बेटियां तो माता पिता के पाम नहीं छूती तो उनका भाग्य कैसे बदलेगा? तो हमारे उपनिषदों में लिखा है वही बेटियां विवाह के तत्पश्चात जब ससुराल पहुंचती हैं, सास ससुर के चरण छूकर आशीर्वाद देती हैं, तो उनके भाग्य का परिवर्तन होता है। बेटियां मम्मी पापा के चरणों से जितना दूर रही हैं, उन बेटियों को सासु ससुर के चरणों से उतना नजदीक रहना चाहिए, भाग्य परिवर्तित हो जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। यह किया जावे, ग्रंथ पढ़ें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, अच्छे लेख पढ़ें, अच्छे लेख सुनें, समय से रसोई बनाएं, भगवान का भोग लगाएं, तुलसी माँ की परिक्रमा करें, गौ माता को चंदिया दें, घर पर आने वाले अतिथि का आने का इंतजार करें। अपने पियर से आ जाए तो 6 घंटा भी चूल्हे पर बैठी रहेंगी, और वैसे कोई आ जाए, लग के 4 लोग आ जाए मेहमान और 4 बार चूल्हा जलाना पड़े तो माथा पकड़ेगी, भींगा पोथन ना रखेगी माथे पर। मर गया निपुता बाप, फौज में पटक गया, पूरे दिन चूल्हे पे ही चढ़े रहो। तुम्हारी डुकरिया तो 5 शेर की रोटी बनाती थी और गोबर का पला ऐसे उठा लेती थी जैसे कोई पहलवान कुछ उठा ले ऊपर हाथ में, इतनी मजबूत डुकरिया। खाना पीना भी अच्छा था उसका, 4-5 फुलका सुबह खींच दी, 8-10 दोपहर को, साधारण सी बात है, इतना मोटा टिक्का। अब मलीदा बना करके गुथेमा घी डाल करके, आज भी देखो उनका बेस बड़ा मजबूत है। हाँ, तुम्हारी लड़का बच्चों की सबकी हड्डियों में जितना वजन होगा उतना वजन तो उसके कंधों की हड्डी में होगा। खाना पीना मोटा था, काम भी खूब करती थी। आज की बहन तीसरी मंज अपनी देखो क्या हो गया है, शरीर से कुछ काम लो।